नमस्कार दोस्तों, एक खास बात बताने आया हूं। आप देखें, गदर 2 बम्पर बिजनेस कर रही है। कुछ दिनों के बाद राजवीर की फिल्म दोनों आएगी और कुछ दिनों पहले हमने धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा। क्या आप इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख पा रहे हैं? जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह दुर्लभ घटना दूसरी बार घट रही है, जब तीन पीढ़ियां एक समय में सक्रिय हैं। जी हां, इसके पहले सिर्फ कपूर परिवार के साथ ऐसा हुआ था। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी बजा दें और साथ बने रहें। देओल परिवार की हमेशा शिकायत रही कि उनको सही तवज्जो नहीं दी गई और यह वाजिब है। धर्मेंद्र का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के अनुपात में उन्हें न तो सराहना मिली, न पुरस्कार मिले और न उन पर ज्यादा कुछ लिखा गया। बावजूद इसके धर्मेंद्र के प्रशंसक हैं, धर्मेंद्र के फॉलोअर्स हैं और धर्मेंद्र को प्यार करने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। धर्मेंद्र को अभी हाल में हमने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा है। वहां पर उन्होंने एक बुजुर्ग प्रेमी का किरदार निभाया है और क्या शानदार तरीके से उसे पर्दे पर उन्होंने जीवंत किया है। वहीं कुछ दिनों पहले दोनों का एक टीजर आया था, जिसमें सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर आ रहे हैं। यह अवनीश बड़जात्या की फिल्म है जो जल्दी ही रिलीज होगी। सनी देओल के बड़े बेटे करण पहले आ चुके हैं, अब ये दूसरे बेटे नई फिल्म में आ रहे हैं। इसके साथ ही गदर 2 की घटना तो आप देख ही रहे हैं, यह घटना नहीं परिघटना है, फेनोमेना है। फिल्म चाहे जैसी हो, कारोबार इसका जबरदस्त है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सनी देओल को लंबे समय के बाद ऐसी कामयाबी मिली है और वे अलहदा ऐसे एक्टर हैं जो 65 से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद दर्शकों को थिएटर में खींच रहे हैं। और इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि तीनों सदस्य, देओल परिवार के तीनों सदस्य, तीन पीढ़ियों के सदस्य एक्टिव हैं। मैं यहां पे बॉबी देओल की बात नहीं कर रहा हूं, बॉबी देओल भी सक्रिय हैं। मैं एक लीनेज देख रहा हूं और उसकी बात कर रहा हूं। इसके पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ कपूर परिवार में ऐसा हुआ था, जब पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर एक साथ सक्रिय थे। आप कि क्या प्रतिक्रिया है मेरी इस टिप्पणी पर जरूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सिनेमा देखिए, घर में या सिनेमा घर में देखिए और सिनेमा की बातों के लिए सिनेमा हॉल देखिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।